7 अक्टूबर को इसराइल पर फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास ने हमला कर दिया। दोनों देशों के बीच अब जंग छिड़ गई है और हमास उग्रवादी इसराइल में घुसकर इजरायली नागरिकों को मार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के समर्थन में ट्वीट करते हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। ऐसे में इस हमले को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं। कहीं यूजर्स हमले की निंदा करते हुए तो कहीं इसराइल की स्थिति पर चिंता जताते हुए वीडियोस और तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। हालांकि इंटरनेट पर इसराइल की बताकर शेयर किए जाने वाले सभी दृश्य वहां के नहीं हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर पुरानी और असंबंधित तस्वीरें और वीडियोस शेयर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ वायरल दावों की हकीकत बताएंगे। ये वीडियो शेयर करते हुए कहा गया कि हजारों आतंकवादियों के इसराइल में घुसने के कारण इजरायली रक्षा बल अब गाजा के पास हवाई अड्डों को खाली कर रहे हैं। ब्रिटेन फर्स्ट की चेयरमैन अश्लेया सिमन ने भी ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया। वीडियो की जांच करने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये वीडियो ट्विटर पर 13 सितम्बर 2023 को ट्वीट किया गया था, यानी ये इसराइल पर हमास के हाल के हमले का वीडियो नहीं हो सकता। पैराशूट से उतर रहे इन लोगों को फिलिस्तीनी लड़ाके बताया जा रहा है। कहा गया कि पैराशूट से उतरकर ये लोग इसराइल में एंटर हुए हैं। वीडियो में दिखने वाली इस बिल्डिंग को गूगल लेंस पर सर्च करने पर हमें पता चला कि ये मिस्र के मिलिट्री अकादमी की बिल्डिंग है। इसमें दिखने वाला लोगो भी वीडियो में बिल्डिंग के बाहर दिख रहे लोगों से मेल खा रहा है। मिस्र की मिलिट्री अकादमी की वेबसाइट पर हमें ये तस्वीर मिली जो वीडियो से मैच करती है। यहाँ ये बात तो आईने की तरह साफ हो गई कि वायरल वीडियो इसराइल का नहीं बल्कि मिस्र का है। ये वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि ये यहूदी बच्ची है जिसे गाजा में किडनैप कर लिया गया और ये लड़का हमास का आतंकवादी है। हमें ये ट्वीट मिला जिसमें वायरल दावे को फर्जी बताते हुए यूजर ने टिकटॉक का लिंक शेयर किया है और लिखा है कि ये वीडियो 1 महीने पुराना है। हालांकि ये वीडियो फिलहाल टिकटॉक पर मौजूद नहीं है। गूगल सर्च इंजन के कैश में सर्च करने पर हमने पाया कि ये वायरल वीडियो का लिंक ही है। आगे इस वेब पेज के सोर्स कोड से हमें मालूम हुआ कि ये वीडियो 8 सितंबर 2023 को अपलोड किया गया था, तो ये वीडियो भी हाल में शुरू हुए युद्ध से पहले का है। इसराइल द्वारा हमास के आतंकवादियों के ठिकानों पर हवाई हमले का बताते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इस वीडियो में टिकटॉक यूजर नेम दिख रहा है। हालांकि वीपीएन की मदद से इस अकाउंट को चेक करने पर हमें ये वीडियो नहीं मिला। आगे वीडियो के फ्रेम्स को सर्च करने पर हमें ये ट्वीट मिला। इस ट्वीट पर कई यूजर्स ने रिप्लाई करते हुए बताया कि ये वीडियो पुराना है। वहीं इस यूजर ने टिकटॉक का लिंक भी शेयर किया, लेकिन ये वीडियो फिलहाल डिलीटेड है। आगे इस लिंक के कैश वर्जन को चेक करने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये वायरल वीडियो ही है। इस पेज के सोर्स कोड में बताया गया है कि ये वीडियो 28 सितंबर 2023 को पोस्ट किया गया था। कुल मिलाकर ये वीडियो भी हाल में 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध से पहले का है। द राउंड टेबल शो से जुड़े पत्रकार सुलेमान अहमद ने यह वीडियो ट्वीट किया और दावा किया कि गाजा पट्टी पर इजरायली हमले के परिणाम स्वरूप 161 लोग मारे गए और 931 घायल हो गए। छानबीन करने पर हमने पाया कि यह वीडियो 13 मई 2023 को फिलिस्तीनी अथॉरिटी की पूर्व प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक नूर ओदेह ने ट्वीट किया है। यहाँ भी ये बात आईने की तरह साफ हो गई कि वायरल वीडियो हाल में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग का नहीं है।